नमस्कार, आप सभी का इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये बिना छिले आलू हैं। इनको मैंने छीला नहीं है, ये नए आलू हैं। इनका ये छिलका बिल्कुल ऊपर की स्किन पतली होती है, तो आप ऐसे बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं आलू। इसमें मैं ना प्याज डालूंगी ना लहसुन, सिर्फ अदरक और ये लाल ताजी मिर्चियाँ ये डालूंगी और कुछ हरी और बाकी थोड़े बहुत सूखे मसाले। टेस्टी और जल्दी बनने वाली ये झटपट बनने वाली सब्जी जो मेरी सासू माँ को बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसे आज उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए आप, मैंने आलू ये बिन अच्छे से साफ़ कर लिए, 3-4 बार पानी से इन्हें बढ़िया से धुल लिया है और अभी बिना छिले हैं आलू। इनको हम ऐसे ही पूरे आलू हम काट लेंगे और आलू ऐसे मोटे मोटे काटना है, पतले नहीं काटना है। मोटे ऐसे पतले पतले नहीं काटना है, मोटे मोटे आलू काटें आप। देखिए जैसे ये आलू ऊपर से पतला है तो आप इसको ऐसे करते हैं, ऐसे बड़े बड़े। इसी तरह मैं पूरे आलू काट लूँ। देखिए लास्ट बचा है, इसको भी मैंने ये काट लिया है, तो अब ये पूरे आलू कट चुके हैं। अब चलते हैं हम गैस की। मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2-3 चम्मच तेल। लीजिए, मैंने इसमें तेल डाल दिया है, तेल गरम हो रहा है। इसमें हम डालेंगे जीरा, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और हींग, हींग इसमें ज़्यादा पड़ेगी, तो लीजिए मैंने ये डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्ची और हरी मिर्ची, मैंने 2 लाल मिर्ची काटी, ये हरी मिर्ची इसको भी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये अदरक, अदरक इसमें ऐसा मोटा मोटा काट के और अदरक ज़्यादा डालना है, तो मैंने इसको भी डाल दिया है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, उनको जब उनका मन होता है तब वो यही सब्जी बनवाती हूँ। अब मैं इसी में तुरंत ये आलू आलू भी इसी में डाल देंगे। बिना छिले आलू हैं, इनमें कई बार धुलना पड़ता है ताकि इनमें कहीं मिट्टी ना रह जाए। मैंने आलू भी डाल दिए इसमें। देखिए बिल्कुल सरल सब्जी है, कोई भी बना सकता है, जो नहीं भी बना सकता है वो भी बना सकता है इसे। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर ये भी डाल दिया, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी 1 चम्मच भर के। इसमें हल्दी जाएगी, स्वाद अनुसार नमक भी जाएगा इसमें, तो मैंने ये नमक भी इसमें डाल दिया है। लीजिए अब इसको हम ऐसे ही सूखे मसालों के साथ आलू को 1-2 मिनट ऐसे ही इनको हम भूनेंगे। मसाला इसलिए इसमें भूनना है ऐसे क्योंकि मसाले ऊपर से डाले हैं, तुरंत इनमें पानी डाल देंगे तो ये मसाला कच्चा रह जाएगा, फिर सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा। और इसमें डालना है ये भुना जीरा पाउडर, इसको भी डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे ये गरम मसाला, तो ये गरम मसाला है। अब इसको भी हम भून लेते हैं कुछ 10-15 सेकेंड के लिए। ये सब्जी जब बन के तैयार होगी आप देखना कितनी बढ़िया बनती है सब्जी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी इतना कम ही डालना है, मैंने 1 कटोरी भर के भी नहीं लिया है, इससे कम ही डालेंगे, नहीं तो फिर आलू जो बनाना चाहते हैं उसका हमें टेस्ट नहीं आएगा। और इतना कम भी ना हो जाए कि आलू हमारे उसी में चिपक जाएं, जल जाएं। तो लीजिए मैंने इसमें पर्याप्त पानी डाल दिया है। अब इसको हम कर देंगे बंद
फिर सीटी 3-4 सीटी आएंगी, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा उबाला आना शुरू हुआ है, पानी और उबलने लगेगा तब हम इसकी लीड को लगाएंगे। देखिए ये उबलने लगा है अच्छे से, तो अब इसको हम बंद कर देंगे। इसमें मैंने कोई टमाटर, कोई खटाई या अमचूर पाउडर या नींबू कुछ भी नहीं डाला है। आपको यदि पसंद हो तो आप इसी स्टेज पर इसमें टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी इसमें कोई भी, ना अमचूर पाउडर ना नींबू ना टमाटर, बस ऐसे ही बनाऊंगी जिसे देखते ही और खाते ही सबका मन करे। देखिए निकाल दिया है, इसको गैस स्लो जल रही है अभी, देखिए और देखते हैं आलू में। देखिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुआ पानी, एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हमें एक और सीक्रेट करना है जो अब मैं आपके सामने लाई हूँ। ये धनिया है, हरी धनिया, जिसको मैंने साफ करके धुल के और इसको काट लिया है। अब इसी में इसमें पूरी डाल दूँगी, पूरी की पूरी धनिया, और इसे मिक्स कर दूंगी। देखिए मिक्स कर दिया इसे। अब मैं इसको बस गैस की फ्लेम एकदम से, देखिए हेलो, इस पे ही मैं 1 मिनट के लिए बस केवल इसमें गैस बनना है बस, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। आवाज आ रही है, बन रही है, देखिए। हाँ अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, और फिर जब 1 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, फिर आपको मैं ये धनिया और इसकी खुशबू, इतनी गजब की खुशबू आती है, आप जब भी सब्जी बनाएं तो गैस बंद करने से पहले उसमें धनिया हरी डाल के उसको 1 मिनट ऐसे ही उबलने के लिए आप छोड़ दें, फिर उसको ढक के फिर उसको छोड़ दें, उसके बाद आप गैस बंद करें। उस धनिया की सब्जी का टेस्ट आप जब खाएंगे गजब टेस्ट होता है, तो आप तब मेरी बात सच मानेंगे, लेकिन करना आप ज़रूर लीजिए। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, देखिए बंद है। अब इसमें ये बन रही है हल्की हल्की, ये बंद हो जाएगी, शांत हो जाएगा कुकर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल शांत हो गई है, अब हम आपको दिखाते हैं इसे खोल। देखिए कितना बढ़िया इसका, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम खाली करके आपको अभी लीजिए, ये सब्जी तैयार है। उनको ऐसे ही ऐसी ज़्यादा सी धनिया आप डाल के, मेथी जैसी धनिया डाल के आप जब इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना, बिना छिले आलू ही, आलू अभी स्किन पतली आ रही है, तो आप छिलका आलूओं का पतला आ रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इसमें हींग, जो डेली सब्जी बनाते हैं कोई भी सब्जी, उससे इसमें 2 गुना हींग डलती है ज़्यादा, तो और अदरक भी ज़्यादा डलती है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है। धनिया, हरी धनिया आपने देखा मैंने कितनी डाली, और मिर्ची खड़ी डलती, इसलिए इसका टेस्ट 2 गुना होता है। मेरी किचन में खुशबू इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी आ रही है, आप ज़रूर बनाएं एक बार। और इसे आप पूड़ी के साथ, आप लंच बॉक्स में, या पराठा के साथ आप, या इसकी रोटी में पोली बनाने के, पोली बना के भी इसे खा सकते हैं, पराठा के बना के खा सकते हैं चाय के साथ। प्लीज़ प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।